पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपका यह पहला प्रैक्टिस सेट होगा या कह सकते हैं आपका मॉडल पेपर पहला है जिसमें हम लोग रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है तो देखिए आपका फिगर बना हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क तो इसमें कैसे करेंगे तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे पहले कॉलम में देखिए बड़ा नंबर है पंद्रह दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है आपका बारह इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे तो पहले कॉलम में हमें बड़ा नंबर लाना है पंद्रह कैसे लाएंगे पंद्रह के ऊपर कौन कौन से नंबर है पाँच दो और आठ तो तीनों को जोड़ देते हैं पाँच और दो प्लस आठ तो पाँच आठ और दो दस और दस पाँच पंद्रह मिल गया आपका यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं बड़ा नंबर है आपका बारह और बारह के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं छः एक पाँच तीनों को जोड़ देते हैं तो छः प्लस एक प्लस पाँच तो छः एक सात सात पाँच बारह यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं चार है तीन है और सात है तीनों को जोड़ देते हैं तो फोर प्लस तीन प्लस सेवन तो सात तीन दस दस चार चौदह तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है बस आप दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन कहता है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणतीय चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलना होगा सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं सोलह गुणे अठारह प्लस दो माइनस चौदह डिवाइड बाई थर्टीन सॉरी थ्री इजकल टू है थर्टी एट तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ ऑप्शन सी आप देख सकते हैं चौदह की जगह अट्ठारह कर देंगे अठारह की जगह चौदह कर देंगे और प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस ओके तो सोलह पहले है सोलह गुणे अठारह और देखिए मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो रहा है प्लस तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस कर दीजिएगा फिर अठारह अठारह की जगह देखिए ऑप्शन सी में क्या है चौदह तो चौदह कर दिया और देखिए फिर प्लस आ रहा है प्लस की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई बाई टू और माइनस चौदह है चौदह की जगह फिर क्या कर देंगे अट्ठारह और डिवाइड बाई थ्री और बराबर आ जाएगा थर्टी अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इसमें सबसे पहले बॉडमास रूल लगाते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं कर देते हैं तो अट्ठारह में तीन का डिवाइड किया तो छः बार गया और चौदह दूनी नहीं अट्ठाईस ये हो गया और प्लस सोलह बराबर आपका अड़तीस अब देखिए प्लस वाला सॉल्व करते हैं सोलह और अट्ठाईस कितना हो जाएगा चंबालीस और चवालीस से छ जाएगा आपका कितना आ जाएगा अड़तीस मतलब अड़तीस बराबर अड़तीस दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में रमी को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेस को क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं रमी के सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं आर यू डबल एम बाई इनके अल्फाबेट कोड लिख लेते हैं आर का कोड होता है अठारह यू का कितना होता है इक्कीस एम का कितना होता है तेरह एम का कितना होता है तेरह और बाई का होता है पच्चीस इससे आपका क्या बन रहा है क्यू वी एल एन और एक्स तो देखिए क्यू का कोड कितना होता है सत्रह होता है यू वी का कोड कितना होता है बाईस एल का होता है बारह एन का होता है चौदह और एक्स का होता है चौबीस तो देखिए सबसे पहले अठारह से सत्रह बना एक घटा इक्कीस से बाईस बना एक जोड़ा फिर तेरह से बारह बना एक घटा तेरह से चौदह बना एक जोड़ा पच्चीस से चौबीस बना एक घटा मैंने मतलब एक सीरीज़ चल रही है पहले एक घटा फिर एक जुड़ा फिर एक घटा फिर एक जुड़ा फिर एक घटा मतलब स्टार्टिंग आपकी घटने से हो रही वो भी एक से यही तरीका चेस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो चेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सी एच ई डबल एस सी का कोड कितना होता है तीन आठ एच का होता है आठ ई e का होता है पाँच एस का होता है उन्नीस और फिर एस का होता है उन्नीस पहले देखिए एक घटाएंगे तीन में तीन में एक घटाया दो आया फिर आठ में एक जोड़ेंगे तो आपका नौ आ जाएगा फिर पाँच में एक घटाएंगे तो चार आ जाएगा फिर उन्नीस में एक जोड़ेंगे तो बीस आ जाएगा और उन्नीस में फिर एक घटाएंगे तो अट्ठारह आ, आ जाएगा इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं दो किसका होता है बी का होता है नौ किसका होता है आई का होता है चार किसका होता है डी का होता है बीस होता है टी का अट्ठारह होता है आर का तो बी आई डी टी आर तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर अगला देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें सबसे पहले देखिए बी के पीछे जगह खाली है ओके तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट गिन लेते हैं कितने आपके हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो आपके पंद्रह बार हैं पंद्रह आपकी जगह खाली है ये पूरे पंद्रह में आएगा पूरा का पूरा तो पंद्रह के आप जोड़े क्या बना सकते हैं पाँच का बना सकते हैं नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन है यहाँ पर तीन है तो आप जोड़ा आप बनाइएगा तीन तीन का बनाइएगा सभी में तो यहाँ पर ये तीन का बन गया इधर ये तीन का बन गया और इधर भी आपका तीन का बन गया इधर भी आपका तीन का बन गया अब करते हैं अब देखिए स्टार्टिंग में बी है बी के पहले क्या आएगा तो बीच में देखिए यहाँ पर इधर ये बी के पहले क्या है सी तो यहाँ पर सी भर गया अब सी ए के बीच में क्या आएगा सी ए के बीच में क्या आएगा तो स्टार्टिंग कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं बताते हैं आपको स्टार्टिंग में देखिए सी ए के बीच में क्या है स्टार्टिंग में सी ए के बीच में क्या है तो बी है तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर बी भरेंगे अब देखिए सी ए सी ए के बीच में क्या आ जाएगा बी फिर देखिए दो बी के बीच में क्या होएगा तो स्टार्टिंग में देखिए कलर को फिर से चेंज करते हैं जिससे कि आपको समझाएं एक बी आपका इधर है एक बी आपका इधर है दो बी के बीच में क्या है ए सी तो यहाँ पर ए और सी आ जाएगा तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट भरे सी पी फिर वी फिर ए सी ये आपका भरा है तो ये किस में आ रहा है ऑप्शन ए में सी बी बी ए सी ओके तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर अगला है चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है उस असंगत शब्द का चयन करें चीख काउ काउ कलरव ओके ये तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं सभी प्राणियों द्वारा निकाली जाने वाली आवाज़ें होती हैं लेकिन बछड़ा बछड़ा कोई आवाज़ नहीं होती है बचड़ा भैंस का बच्चा होता है तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है तो जो तरीका सत्ताईस और एक सौ पच्चीस के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क के लिए तो सबसे पहले सत्ताईस के लिए देख लेते हैं सत्ताईस होता है तीन का क्यूब और एक सौ पच्चीस होता है पाँच का क्यूब और तीन और पाँच के बीच डिफरेंस कितने का है दो का तो आगे भी दो का डिफरेंस रहना चाहिए ओके तो तीन सौ तैंतालीस होता है तीन का क्यूब अब इसमें दो जोड़ेंगे साथ में तो आपका नौ आ जाएगा नौ का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सात सौ उनतीस ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर अगला दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है आप प्रश्न आकृति को देख सकते हैं प्रश्न आकृति जो है वो किस में आ रही है तो सब सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये सर्किल देखते हैं सर्किल देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में मिला ये और एक बीच से इसके लाइन गई है किनारे से साइड से तो इसे साइड से देखिए लाइन मिल गई बाकी तीन फिगर में आपका कहीं भी ऐसा फिगर नहीं बन रहा है लेकिन ऑप्शन सी में बन रहा है तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर अगला है दर्पण को पी क्यू रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं तो इसके लिए भी हम लोग दर्पण छवि के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं प्रश्न आकृति जो दी हुई है दर्पण प्रतिबिंब में उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं ये जो आकृति ये है गोल गोल ये दूसरी तरफ चली जाएगी तो आप बना सकते हैं आप कैसे बनाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा ऐसा फिर देखिए ये वाला हम लोग फिगर देख लेते हैं ये कैसा बनेगा तो ये भी बना देते हैं ऐसे बनाया और इसे इससे मिला दिया तो ये फिगर किस में बन रहा है तो ऑप्शन ए में बन रहा है देखिए उल्टा हो गया पूरा फिगर तो ऑप्शन है इधर राइट आंसर अगला है चार अक्षर युग्म दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी न किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत उस असंगत अक्षर युग्म का चयन करें असंगत मतलब चार ऑप्शन तो दिए गए हैं जिसमें से तीन आपके क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे आपके और एक जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा तो कर लेते हैं तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं पहला ऑप्शन है बी ई इनके अल्फावेट कोड लिख लेते हैं बी का कोड होता है दो ई का होता है पाँच तो दो से पाँच बना कितना जुड़ा तीन ऑप्शन बी चेक करते हैं ए का होता है एक पाई का होता है पच्चीस तो एक से पच्चीस बना तब आपका क्या हो रहा है दो घट रहा है अब सी चेक करते हैं ओ का होता है पंद्रह और एम का होता है तेरह पंद्रह से तेरह बना क्या हुआ दो घटा ऑप्शन डी चेक करते हैं यू का होता है इक्कीस एस का होता है उन्नीस इक्कीस से उन्नीस बना क्या हुआ दो घटा देखिए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तीनों में आपका दो दो घट रहा है लेकिन ऑप्शन सी ए में तीन जुड़ रहा है तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर उस तो समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही सम्बन्ध जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है तो जो तरीका आपका जो दिया गया संख्या है संख्याएँ इसमें लगेगा वही तरीका वाला हमें ऑप्शन चेक करना है ओके तो पहला है आपका देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं दो छः और बत्तीस तो सबसे पहले दो से हम लोग छः बनाते हैं तो दो में दो का मल्टीप्लाई कर दिया और दो को इसमें जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया छः अब छः से हम लोग क्या करेंगे बत्तीस बनाते हैं तो हम लोग छः में क्या करते हैं चार का मल्टीप्लाई और कितने कितना जोड़ेंगे आठ जोड़ देंगे तो छः चौक चौबीस और चौबीस आठ बत्तीस तो यही तरीका लगना चाहिए कोई ऑप्शन में जैसे कि ऑप्शन ए ही देख लेते हैं चेक करते हैं आठ से अठारह बनाए तो आठ में भी दो का मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर किया था और दो को इसमें जोड़ देंगे तो आठ दोनी सोलह और आ गया आपका अब आगे कितने का मल्टीप्लाई होगा चार का तो आठ चौक और आठ को जोड़ देंगे इसमें अठारह चौक बहत्तर बहत्तर आठ अस्सी मतलब कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई बाकी के तीन ऑप्शन में ये तरीका लगाएंगे नहीं लगेगा तो ऑप्शन है इज राइट आंसर अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है जिसमें पहला कथन है सभी लकड़ी जड़े हैं तो सारी लकड़ी क्या हो जाएंगी आपकी जड़ें हो जाएंगी और कोई लकड़ी और दूसरा है सभी फल जड़े हैं तो सारे फल जो हैं लकड़ी जड़े में समाहित हो जाएगा और कोई लकड़ी फल नहीं है कोई लकड़ी फल नहीं है तो लकड़ी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा फल से तो कट हो जाएगा ओके अब देखिए निष्कर्ष क्या है कोई कुछ जड़े फलें हैं कुछ जड़े फल हैं तो बिल्कुल सही क्योंकि जड़ का कुछ हिस्सा फल में जा रहा है तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा कहता है सभी जड़े लकड़ी हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जड़ों का कुछ हिस्सा लकड़ी में जा रहा है तो दूसरा गलत तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है नेक्स्ट यदि हैच का अर्थ है लिख लेते हैं हैच का अर्थ क्या है माइनस एंड का अर्थ है डिवाइड और एट दी रेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ क्या है प्लस तो एक क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करना है तो लिख लेते हैं इक्वेशन को पंद्रह ऐट दी रेट दो डिवाइड बाई नौ सौ एंड तीस हैच दस कर लेते हैं पंद्रह ऐट दी रेट ऐट द रेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई ऊपर दिया हुआ है फिर भाग भाग का मतलब क्या है प्लस प्लस कर दिया नौ सौ फिर एंड एंड का मतलब क्या है भाग तो भाग कर दिया तीस फिर है है, हैच हैच का मतलब क्या है माइनस बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो नौ सौ में तीस का डिवाइड करेंगे तो पंद्रह गुने तीस पंद्रह गुणे दो या तीस हो गया और नौ सौ में तीस का डिवाइड किया तो तीस तिया नब्बे तीस बार गया और माइनस दस तो साठ माइनस दस मतलब आपका आंसर आ जाएगा पचास ऑप्शन है इज राइट आंसर आ, नीचे दर्शाए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें तो त्रिभुज जो है वो आपका है चाय पसंद करने वाले लोग हैं और सर्किल जो है वो जूस पसंद करने वाले लोग हैं और कॉफ़ी आयत जो है वो कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हैं आगे कहता है कितने लोग चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं लेकिन जूस नहीं तो एक ऐसा नंबर चूज़ करना हो जो केवल चाय और जूस में आ रहा हो तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं गाइस तो ऑप्शन बी बारह बारह नंबर जो है वो आपका किस में आ रहा है ट्रायंगल में आ रहा है और आयत में आ रहा है लेकिन सर्किल में नहीं आ रहा क्योंकि जूस पसंद नहीं करते हैं तो जूस में नहीं आना चाहिए मतलब सर्कल में नहीं आना चाहिए तो बारह हो जाएगा ऑप्शन भी इज़ राइट आंसर क्या है कौन सी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी तो प्रश्न आकृति देख सकते हैं तो प्रश्न आकृति में देखिए सबसे पहले ये जगह खाली है यहाँ पर हम लोग आयत को पूरा कर देते हैं और विकर्ण को पूरा कर देते हैं और दो हम लोग कट लगा देते हैं ऐसे जहाँ जहाँ रेड लाइन की है वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन ए देखिए आप ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर यहाँ पर एक कट लगेगा आपका क्योंकि दो कट के सामने दो कट है और एक कट के सामने आपका एक कट हो जाएगा तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर अगला है भय आर्क को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है घोड़ा कुत्ता और बाघ देखिए घोड़ा अलग है कुत्ता अलग है और बाघ अलग है ये आपका बैन डाइग्राम बन जाएगा तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर अगला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है तो इसके लिए ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बनेगा पहले नेब आएगा पहले नंबर पर फिर तीसरा वाला आएगा दूसरे नंबर पर पाँचवा वाला आएगा तीसरे नंबर पर और फिर दूसरा वाला आएगा चौथे नंबर पर और यह आएगा पहला न आएगा पाँचवें नंबर पर अगला है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके तो दो से आठ बनाया कितना जोड़ा आपका छः जोड़ा आठ से पंद्रह बनाया कितना जुड़ा सात जुड़ा और पंद्रह से चौबीस बनाया कितना जुड़ा आठ जुड़ा और सॉरी नौ जुड़ा आपका कितना जुड़ा रहा है नौ और चौबीस से छत्तीस बनाया कितना जुड़ा आपका बारह जुड़ा और छत्तीस से बावन बनाया कितना जुड़ा सोलह जुड़ा अब एक चीज़ देखिए छः और सात के बीच डिफरेंस है एक का सात और नौ के बीच है दो का डिफरेंस और नौ और बारह के बीच है तीन का डिफरेंस और बारह और सोलह के बीच है चार का डिफरेंस तो आगे कितने का होगा पाँच का डिफरेंस तो इस पाँच को इस सोलह में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा इक्कीस और इस इक्कीस को बावन में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो बावन में इक्कीस को जोड़ देते हैं तीन और सात तिहत्तर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर अगला है निम्नलिखित बड़माला श्रृंखला में प्रश्नवाचक चीन के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा तो ये हम लोग क्या करते हैं सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं एफ से बनाते हैं एच एफ का कोड होता है अच्छी एच का होता है आठ छः से आठ बना कितना जोड़ा दो अब एच से बनाते हैं जे जे का कोड होता है दस आठ से दस बन रहा है तो दो जुड़ रहा है पीछे सभी में दो जोड़ा है तो आगे भी दो जुड़ेगा दस में दो जोड़ा बारह बारह किसका होता है एल का ओके अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फाबेट उठा लेते हैं तो यू से बनाते हैं एस यू का कोड कितना होता है इक्कीस एस का होता है उन्नीस कितना जोड़ा आपका दो सॉरी दो घट रहा है आपका अब एस से बनाते हैं क्यू क्यू का कोड होता है सत्रह उन्नीस से सत्रह बना क्या होगा दो घटा तो आगे भी दो घटेगा सत्रह में दो घटाया पंद्रह पंद्रह किसका होता है ओ का अब देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एल एलो मिल गया और तीसरा अल्फ़ाबेट भी मिल गया एम एम तो हम लोग सभी के लास्ट वाले अल्फ़ाबेट उठाते हैं ओके तो एल ओ एम तो मिल ही गया अब लास्ट वाला उठा लेते हैं टी से बनाते हैं आर टी का कोड कितना होता है बीस आर का होता है अट्ठारह कितना घटा दो आठ से बनाते हैं पी पी का होता है सोलह अठारह से सोलह बना दो घटा तो आगे भी दो घटेगा सोलह में दो घटाएंगे चौदह चौदह किसका होता है एन का तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर एलो एम एन आपका राइट आंसर हो जाएगा तो, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद आपका दिन सो